चीज़ आज मैं आपको अरहर की दाल, जो तुअर की दाल आती है, उसको पालक के साथ बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक कटोरी अरहर की दाल ली है। मेरा थोड़ा बाउल बड़ा है तो मैंने दाल ली है। अब इस दाल को मैं कुकर में डाल दूंगी जो, और उसके बाद पानी डाल दूंगी। अब इसमें हम पानी डाल के और जो है इसका ढक्कन सीटी नहीं लगाएंगे, सिर्फ टेस्ट अकॉर्डिंग नमक जो है हम डाल देंगे। उसके बाद इस तरह से हम ऐसे ही ऊपर रख देंगे, इसको पूरी तरह से लीड नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो बबल छूटते हैं वाइट कलर के, उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, जो हमारे घुटने में दर्द, ये सब के लिए। तो इसलिए हम इसका बबल निकाल देंगे, फिर बताते हैं आपको। जब तक थोड़ा सा ये इसका पानी उबलने लगे, देख सकते हैं ये इस तरह से, ये जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, इसको हम निकाल के फेंक देते हैं सारा इस तरह से। ये देख सकते हैं इस तरह से इसको हम फेंक देंगे। अब इसमें हमने नमक तो डाला ही था पहले से, 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे इसमें, और एक टमाटर हमने थोड़ा सा कट लगा के इसमें इस तरह से डाल दिया है, और ये पालक के हमने छोटी छोटी कट कर लिया है, इसको भी इसमें साथ में डाल। अब डालकर इसकी हम इस तरह से सीटी लगा देंगे, हमारी 4 सीटी आएंगी, उसके बाद हम जो है हमारी दाल पक जाएगी। अब हमारी दाल देख सकते हैं इस तरह से पक गई है। अब इसको हम इसमें तड़का देंगे। पालक भी देखिए एकदम अच्छे से पक गई है, इसमें अब लग नहीं रही है कि पालक है। और टमाटर हमारा पक गया था, तो टमाटर हमने वैसे ही डाला था, ये देख सकते हैं टमाटर हमारा पक गया, तो इसको हम अलग से निकाल लेंगे। अभी तड़के के समय इसमें डालेंगे, ये इसका जो छिलका है देखिए आराम से निकल जा रहा है, ये छिलका हम निकाल लेंगे इसका। पैन में हम जो है 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, और घी के साथ साथ थोड़ा सा हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और घी डालने से 1/2 टीस्पून इसमें हम जीरा, साबुत जीरा डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे। जैसे हमारा जीरा हो जाता है तब जो है चटकने लगेगा। अब हमारा जीरा हो गया है, तो हमने ये लहसुन की कुछ कलियाँ छील के काट के रख ली है, और 2 जो है लाल मिर्च तोड़ के हमने रखी हुई है, इसको भी इसमें हम डाल देंगे। लहसुन हमारा अच्छे से हो गया है, अब इसमें हम ये लाल मिर्च डाल देंगे, और इसके साथ ही हम ये कुछ मसाले इसमें डाल देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको डाल देंगे, इससे तीखा नहीं होता, कलर अच्छा आता है। और थोड़ा सा हल्दी तो हमने दाल उबालते से भी डाली है, लेकिन थोड़ा सा और डाल देंगे। और 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। ये मसाले हमारे हो रहे हैं, इसी में हम अपना जो ये टमाटर था इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। टमाटर को हमने देख सकते हैं एकदम अच्छे से इसी में इसी चम्मच से हमने अच्छे से इसको दबा दिया है, तो ये देख सकते हैं गड्ढे में इसमें घुल गया है। और इसमें थोड़ा सा हम उसमें तो नमक डाले थे, इसलिए थोड़ा सा इसमें अपने अंदाज से टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें भी नमक डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, हमारा जैसे मसाला हो जाता है इसमें हम दाल ऐड करेंगे। अब इसमें हो गया है, तो अब हम इसमें अपनी दाल जो है इसमें सारी दाल जो है पलट लेंगे। देख सकते हैं हमारा तड़का जो है इसमें हो गया है, और दाल हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। ज़रा सा एक उबाल आया, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे इसका फ्लेम, और इसको आप बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी होती है। इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से दाल बना के आप भी खाइए। पालक एक तो ऐसे भी पालक की इतना सेहतमंद चीज़ है, दाल के में ऐड कर दीजिए तो बच्चे नहीं खाते, लेकिन इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें पालक पड़ी हुई है। तो इसको आप बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।